तो मैं जस्ट एंटर हो रही हूँ सिस्टर के घर पर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं अपनी सिस्टर के घर पर आई हूँ, तो चलिए आज मैं आपको अपनी सिस्टर का घर दिखाती हूँ, थोड़ा सा छोटा सा होम टूर कराती हूँ। यहाँ से है एंट्रेंस और यह है किचन, न्यू रेनोवेशन है। देखिए किस तरह से चमक रहा है घर। टीवी यूनिट और यह है बाथरूम, यह है वॉशरूम और यह है बेडरूम। और बेडरूम के सामने ये बड़ी वाली विंडो और वो सामने। अब मैं आपको जूम करा के दिखाती हूँ। इतनी सी दूरी है तो देखिए यहाँ से पूरा व्यू दिख जाता है और बहुत सारी बिल्डिंग्स। और ये है इसका ड्रेसिंग टेबल और ये हूँ मैं और ये मेरा न्यू वाला वन प्लस नॉट। और ये है बेड, वो हाल ही में यहाँ पर शिफ्ट हुई है, मंथ ऑफ शायद 3 महीने हो चुके हैं यहाँ पर शिफ्ट हुई है, तो इसी वजह से इसका घर पूरा नया नया दिखा जाए, हर तरफ चमक ही चमक। और यहाँ पर भी एक बड़ी सी विंडो है, लेकिन बेडरूम की विंडो का व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर मेरी सिस्टर अभी देखो बर्तन साफ कर रही, मैं छोटी वाली हूँ ना तो मैं कुछ काम नहीं करूँगी। देखिए अब हम करेंगे इवनिंग टाइम स्नैक्स, तो क्या बनाऊंगी इवनिंग टाइम स्नैक्स में बताओ जल्दी कुछ अच्छा। अच्छा और फ्लावर पकौड़ कॉलीफ्लावर मंचूरियन, ओके। और यहाँ पर भी विंडो, इसके हर रूम में विंडो है, तो हर विंडो में से व्यू भी बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे तो बेडरूम वाली व्यू वाली अच्छी लगती है, मुझे भी वही अच्छी लगती है। और देखिए और ये बड़ा वाला फ्रिज जो लेने के लिए मैं उसके साथ गई थी, हम दोनों ने मिलकर परचेस तो जीजू ने किया है। देखिए अब मैं फ्रिज का भी थोड़ा सा टूर कराती हूँ। देखिए खाते पीते घर के लोग कैसे होते हैं, आप देख सकते हैं इस फ्रिज के जैसे कहीं पर भी जगह नहीं। और बिगड़े हुए बच्चे कैसे होते हैं, ये ऐसे जो हर वक्त मोबाइल बिना पढ़ाई के। और ये डायपर वाला बच्चा ये डायपर वाला बच्चा है। व्हाट इज योर नेम? आयुष। एंड व्हाट्स योर नेम? यू आदिश्री। एंड हिज नेम इज कार्तिक और उसका नाम है प्रतीक। ये दोनों हैं मेरे, ये है दोनों छोटी वाली के, और इसके अभी यहाँ पर नहीं है, वो गए मम्मी के घर पर, मतलब मेरी मम्मी के घर पर, क्योंकि वो भी यहीं पर आसपास ही रहती है, वो भी हाल ही में यहीं पर शिफ्ट हुई है, तो वो अभी उधर गए। अभी जब वो आएंगे तो उनसे भी मैं इंट्रोडक्शन करवाऊंगी। तो चलिए अब मैं थोड़ा सा स्नैक्स बनाने के लिए उसे थोड़ा सा ये करती हूँ कि कुछ अच्छा बनाए। और देखिए जैसे कि मैंने आपसे कहा था, खाते पीते घर के लोग कैसे होते हैं, देखो ऐसे होते हैं। ये देखिए, ये है किशमिश, ये है बादाम, ये है काजू, ये है पिस्ता। तो आपको क्या क्या खाना है बताइए, मुझे तो सब कुछ खाने का मन कर रहा है, लेकिन डांट पड़ेगी। देखिए वो है एंट्रेंस और ये है वाइड एंगल का व्यू,
और ये डायपर वाला बच्चा ए डायपर वाले बच्चे अभी उसे कुछ खाना है इस वजह से वो मासी के पीछे पड़ा है कि मुझे कुछ खाना है, भूख लगी है। सिस्टर के घर पर आए तो इस वजह से मैं आ जाएंगी यहाँ पर आई हूँ क्योंकि उनकी मम्मी पापा ऑन द वे हैं, वो आ रहे हैं, वो शाम को चले जाएंगे और मुझे भी थोड़ा सा वैसे तो मुझे टाइम नहीं मिलता आने के लिए और मिल भी जाता है तो मैं थोड़ा सा सो लेती हूँ, थोड़ा सा पावर नैप ले लेती हूँ, मुझे बहुत डांटती हूँ तो आती नहीं है। नहीं नहीं डायपर वाला नहीं है वो, डायपर वाला लड़का वो छोटा है लेकिन अगर उसकी अभी उसको चिढ़ाएंगे ना तो मैं तुम्हें भी डायपर पहना दूंगी। हाँ डायपर फिर यहाँ पर ना वो डायपर वाला बच्चा है लेकिन तुम डायपर वाले सुपरमैन बनोगे, सुपर बॉय। उसकी मम्मी ने ये सब देखा ना ब्लॉग में तो तुमको डांट पड़ेगी। इवनिंग स्नैक्स के लिए और ये बनेंगे कॉलीफ्लावर के पकौड़े, पॉपकॉर्न दिसता है पॉपकॉर्न। तुझी मम्मी तुला माहिती नाही, तुला सोडून गेली, मग तुला माहिती कसं नाही, मम्मी गावी गेली आहे, येते आता। मम्मी येते, मम्मी येते, गाडी मध्ये रस्त्यात आहे। रस्ता भूलतेत ना ते, कुठे रस्ता भूलले ते, कुठे रस्ता भूलले ते, कौन आला। तो अभी ना ये सिस्टर का बड़ा वाला बेटा है, अब है 11th स्टैंडर्ड में, तो ये मम्मी के घर पर गया तो आ गया है। और ये है पिंक कलर का बैटर, लेकिन एक्चुअली उसने रेड कलर यूज किया है, लेकिन उसका कलर इस तरह से, अगर ऑरेंज यूज करेंगे तो वो परफेक्ट कलर आ जाता है, लेकिन ये रेड यूज करने पर इस तरह से पिंक कलर आ चुका है, क्योंकि मेरे पास ऑरेंज नहीं था। और ये है, इसे उसने बॉईल कर लिया है थोड़ा सा नमक वाले, थोड़ा सा नमक वाले पानी में थोड़ी सी मार। Watch
जस्ट घर पर आई हूँ और चेंज वेंज कर कर अब मैं एक डिनर की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि सब लोग गाँव से अभी ऑन द वे है, वो आ रहे हैं, तो उनके लिए मैं अभी डिनर तैयार कर रही हूँ और मेरी हेल्प के लिए मेरी सिस्टर भी आएंगी। और तो चलिए मैं जल्दी से, मैंने यहाँ पर मैंने दाल चढ़ा दी है, दूध गर्म करने के लिए रख दिया है क्योंकि मैं दिन भर उसी के सिस्टर के घर पर थी। और यहाँ पर मैंने कुकर में दाल चढ़ाई, इस कुकर में दाल है और इस वाले में राइस है, नहीं नहीं कन्फ्यूज, इसमें राइस, इसमें दाल है और इसमें कुकर, इसमें ये है राइस है। तो अब मैं चलिए फटाफट से डिनर तैयार कर लेती हूँ क्योंकि वो लोग ऑन द वे हैं। तो डिनर में मैं बनाऊंगी ये फूल गोभी और मटर की सब्जी सूखी वाली और दाल चावल और रोटी। तो मैं इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेती हूँ। पौने 12 बज चुके हैं, देखिए टाइम, और मैं वीडियो का एंड करना भूल गई थी और सभी मेहमान चले गए। डिनर होने के बाद मैं वीडियो शूट करना, मैंने बर्तन वर्तन साफ़ कर रही थी तो शूट नहीं किया। तो अब हम सो रहे हैं और यहाँ पर है मेरे हस्बैंड, देखिए वो प्यार से भी देखेंगे तो किसी को लगेगा कि बहुत गुस्सा आ रहा है उन्हें कि बीवी ब्लॉगिंग कर रही है, लेकिन वो ऐसे ही है, खुश रहते हैं लेकिन वो ऐसे ही दिखते हैं। तो चलिए आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय।